अगर आप ग्रो ऐप के थ्रू किसी शेयर को बाय करने के लिए ऑर्डर प्रोसेस करते हो और उसके बाद उसी शेयर को कैंसिल या मॉडिफाई करना चाहते हो तो कैसे करोगे, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और इसके साथ ही साथ लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से आप ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद शेयर को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं ऑर्डर प्रोसेस किए हुए शेयर को कैसे मॉडिफाई और कैंसिल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है और लॉगिन करते समय पिन मांगता है तो पिन डालकर लॉगिन कर लेना है। तो शेयर मॉडिफाई या कैंसिल करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप शेयर बाई के लिए प्रोसेस करते हो तो मैक्सिमम 12 घंटे के पहले ही आपको मॉडिफाई या कैंसिल करने का प्रोसेस करना होता है, नहीं तो आपका शेयर बाई और कैंसिल नहीं होगा। और ये जो फैसिलिटी है शेयर कैंसिल और मॉडिफाई का, ये केवल शेयर मार्केट के ऑफ टाइम में आप शेयर बाई ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हो तभी आपको ये फैसिलिटी आपको मिलता है। तो जैसे ही आप अपना ग्रो ऐप के होम स्क्रीन में चले जाते हो तो नीचे में स्टॉक और ऊपर में ऑर्डर्स वाले ऑप्शन को सेट करना है। उसके बाद ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में जो शेयर आप बाई के लिए प्रोसेस किए हो वो यहाँ पे दिख जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई और कैंसिल का ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। और अगर आप ऑर्डर किए हुए अपने शेयर को मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई वाले ऑप्शन क्लिक करना है, और अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कैंसिल वाले ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद कैंसिल हो जाता है आपका बाई के लिए प्रोसेस किया हुआ शेयर। तो यहाँ जैसे देख पा रहे हैं मेरा एक शेयर कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से कैंसिल कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि शेयर बाई के लिए ऑर्डर करने के बाद कैसे आप कैंसिल या मॉडिफाई कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपको मन में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद।